भागलपुर इलाके में गौरी गौ सेवा संस्था और समस्त हिंदू समाज के सैकड़ों लोगों द्वारा मिलकर श्री राम तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में भगवान श्री राम की झांकी के साथ साथ भगवा ध्वज और तिरंगे झंडे को शामिल करके आजादी के अमृत महोत्सव को मनाया गया। आप देख सकते हैं पीछे तिरंगे झंडे हैं हमारे साथ में, जो हमारे देश की राष्ट्र के आन बान शान है, और साथ में भगवा जो हमारे हिंदुत्व का प्रतीक है। तो सारे जैसा कि पूरा हिंदुस्तान जानता है कि 5 अगस्त 2020 को हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी के मंदिर का 500 साल बाद शिलान्यास हुआ है, उस उपलक्ष में पूरा समस्त हिंदुस्तान और हिंदू जागृत हुआ है और हमारे जो सपने हैं वो साकार हुए हैं। और मैं सभी भारतवासियों को जय श्री राम बोलना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि आज 5 अगस्त है, जो हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि हमारा राम मंदिर पीछे 2020 में नींव रखी गई थी और उसके बिहाफ पे ये हमारा तीसरा बार है जो हम ये प्रोग्राम करते हैं। और आप देख सकते हो शोभा यात्रा, इसमें सभी साथी जय श्री राम। यात्रा कई किलोमीटर तक चली, जहां हाथों में भगवा और तिरंगा ध्वज लेकर महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हुए।